गाइज आज मैं सभी डायनासोर्स के एग को और उस डायनासोर्स को सबको अपने गोस्ट राइडर वाली बाइक से बिल्कुल आग लगा दूंगा। देखते हैं क्या डायनासोर मेरे इस गोस्ट राइडर बाइक से पक जाता है या नहीं। जैसे कि आप लोग सामने की साइड देख लो, मैं सभी इंसानों को जला जला के बिल्कुल पका डाला, बिल्कुल काले हो गए और ये लोग ऊपर वाले के पास पहुंच गए। अब मेरी पारी आ चुकी थी डायनासोर्स के फॉरेस्ट के अंदर एंट्री लेने की, तभी मैं प्लेन ऑर्डर करता हूं। मैं सोचता हूं प्लेन से जाया जाए, तो प्लेन से ऊपर की साइड से उसके ऊपर से गुजरेंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा और बिल्कुल डायनासोर को बिल्कुल पागल कर दूंगा मैं। तभी मैं सोचता हूं गोस्ट राइडर वाली बाइक से चला जाए, क्योंकि गोस्ट राइडर वाली बाइक काफी खतरनाक और मेरे को एक्सपेरिमेंट भी करना था। काफी एक बंदा कमेंट किया था मेरे कमेंट में कि गोस्ट राइडर बाइक लेके जाओ डायनासोर पार्क के अंदर, देखो क्या होता है आपका साथ। तभी मैं इधर सबसे पहले इंसान के ऊपर ट्राई करता हूँ, इधर जितने भी इंसान वगैरह देखते हैं सबके ऊपर मैं अपनी गाड़ी टच करता हुआ जा रहा था और सबके ऊपर आग लगती जा रही थी और मैं ट्राई करने वाला था इसको डायनासोर के ऊपर। और सामने साइड आप सभी लोग देख सकते हो कैसे हर एक इंसान जलता जा रहा, कोई भी नहीं बच रहा है इस हमारे गोस्ट राइडर बाइक से। और मैं तभी इसको एक गाड़ी के ऊपर ट्राई करने को कोशिश करता हूँ और सामने की साइड मेरे को दिखती लैम्बोर्गिनी बिल्कुल, ओ भाई साहब बिल्कुल ब्लास्ट हो गई पीछे की साइड। अब मैं एंट्री लेने वाला हूँ इधर डायनो पार्क के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। अभी आप लोग मेरे वीडियो कर देना लाइक और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है। अब मैं डायनासोर्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो लाने वाला हूँ और सामने की साइड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को डायनासोर ढूंढते ढूंढते और कहीं भी डायनासोर्स मेरे को दिख ही नहीं रहे, इतने बड़े जंगल में डायनासोर्स कहीं भी नहीं है। अबे भाई साहब डायनासोर्स डालो इसमें, कम से कम 100-200 डायनासोर्स डालो इसके अंदर, एंट्री करना और बिल्कुल सर्वाइव करना बिल्कुल नामुमकिन हो भाई। एक डायनासोर ढूंढो उसके बाद उसके आगे पीछे घूमो, ढेर सारा डायनासोर होगा, मूड खराब होगा, मूड पकेगा मेरा बिल्कुल। तभी मेरे को एक डायनासोर नजर आता है सामने की साइड। अब मैं उसकी साइड जाने लगता हूँ, देख लो सामने की साइड अब डायनासोर, और मैं चलता हूँ लाओ इसको जलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास से जस्ट गुजरता बस को कुछ नहीं होता, देखो देखो पूरे भाई साहब बिल्कुल बच गया मैं, लेकिन ये मेरे गाड़ी से टच होने के बाद भी नहीं जलता। उसके बाद मैं लाओ इसको थोड़ा से आगे लेके जाते हैं और देखते हैं रुक के, वो भाई साहब ये तो मेरे को पानी के साथ गटक लिया अपने पेट के अंदर।